हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टेक्स्ट बुक एनालिसिस का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है अपने असाइनमेंट में या किसी प्रोजेक्ट में, तो आप किस तरीके से ये करेंगे। दिस इज़ बेसिकली फॉर द टीचिंग प्रोफेशन। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड और उसमें आपको टेक्स्ट बुक एनालिसिस करने को मिलता है, कैसे स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहले तो आप टीचिंग लर्निंग में टेक्स्ट बुक क्या है, ठीक है, और टेक्स्ट बुक का क्या इम्पोर्टेंस है वो सब बताएंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो रीड कर लेते हैं एक बार। द मेन पार्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी इज अ गुड मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स। वन ऑफ द बेसिक बेसिस इन द टीचिंग मटेरियल्स इज टेक्स्ट बुक। सबसे इम्पॉर्टेंट है टेक्स्ट बुक, सबसे बेसिक है, जो मतलब हर स्कूल यूज करता है, हर सब्जेक्ट के लिए यूज होती है, राइट। अ टेक्स्ट बुक इज अ मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एनी ब्रांच ऑफ स्टडी। टेक्स्ट बुक आर प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जिस तरीके की डिमांड होती है उसी तरीके की टेक्स्ट बुक डिजाइन की जाती है। A book that contains detailed information about a subject for people who are studying that subject. ठीक है, द टेक्स्ट बुक इज कॉल्ड द टीचर इन प्रिंट। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास टीचर उपलब्ध नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक से खुद भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं टीचर का, बट हाँ, जैसा टीचर है वैसा टेक्स्ट बुक कभी उसकी जगह नहीं ले सकती है, ठीक है। इन एजुकेशन टेक्स्ट बुक आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ स्कूल करिकुलम। इट इज अ फ्रीक्वेंटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग that because it can determine not only what will be taught but also it has been defined as the instrument of instructions that facilitates the teaching learning process. It is written on the basis of the syllabus. जिस तरह का syllabus होता है एक class का या एक course का, उसी तरीके की textbook होती है, in which the major ideas of the subject matter are related and summarized judicially. ठीक है, syllabus के according. इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक। तो किस तरीके से की गई है, जहाँ का भी आप कर रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा का जो सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने 10th क्लास के लिए ये वाली बुक चुनी है, ठीक है, इंग्लिश के लिए। तो उस तरीके से कुछ ये आप लिखें, एंड द प्रेस्क्राइब्ड 4 टेक्स्ट बुक हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। 4 टेक्स्ट बुक क्लास 10th के लिए, उनमें से जिसपे आप करने वाले हैं एनालिसिस, दैट विल बी द फर्स्ट फ्लाइट बुक, ठीक है, 10th क्लास की, ठीक है। इस तरीके से मैं रीड कर देती हूँ आप सभी के लिए। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा हैज प्रोवाइडेड नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। इंग्लिश इज टॉट एज द सेकेंड लैंग्वेज। द सिलेबस फॉर द 10th इज प्रिपेयर्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज NCERT। द प्रेस्क्राइब्ड 4 नंबर ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th आर फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट विदाउट फीट एंड अप्रोच टू इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, एंड द लास्ट बुक इज स्पोकन इंग्लिश। Among the above mentioned book, I have selected first one, that is First Flight for critical analysis of the textbook, right? तो आप यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने first वाली choose की है, ठीक है। अब है textbook के बारे में, आप बताएंगे क्या कैसी textbook है। तो First Flight is a textbook in English for class 10th. Is based on new syllabus. Obviously new syllabus और जो updated syllabus है उसके regarding में ही textbook design होती है और हर साल updated भी रहती है wherever required. In syllabus in English, new syllabus in English, which was prepared as a follow-up to the National Curriculum Framework 2005. The textbook is published by the State Textbook Publication and Publication Production and Publication Corporation Limited on the behalf of Government of Haryana. The distribution for distribution, a detailed description of the textbook has been provided below. अब कुछ textbook के बारे में information आपको इस हिसाब से, इस तरीके से लिखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले name of the textbook, First Flight, first publication 2013 में था, last publication आप करंट ईयर लिखें, ठीक है, जो भी हो लास्ट ईयर, जैसे कि अभी 2021 चल रहा है तो आप 21 लिखेंगे, 2022 चल रहा है तो 22 लिखेंगे। मोस्टली जो बुक्स हैं वो जनवरी टू मार्च में अपडेट हो जाती हैं, ठीक है। देन पब्लिशर जो हैं, द हरियाणा स्टेट टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड पब्लिकेशन लिमिटेड, कहाँ पे बनी है, प्रिंटर, वो आपको बुक पे ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जिस भी बुक का आप कर रहे हैं, और पेपर
कितने जीएसएम का है, कैसा पेपर यूज हुआ है या रिसाइकल पेपर, वो आपको लिखना है। और प्रिपेयर किसने किया, एनसीईआरटी ने किया, तो जनरली एनसीईआरटी ही है सिक्स ऑनवर्ड्स हर स्टेट में, ठीक है। द इंग्लिश करिकुलम, अब यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस आपको बुक का करना है। द इंग्लिश करिकुलम लेज एम्फेसिस ऑन प्रोवाइडिंग अ वेराइटी ऑफ रिच कॉम्प्रीहेंसिव इनपुट्स ऑफ लर्नर्स टू इनेबल देयर एंगेजमेंट इन लर्निंग एंड रिकोगनाइजिंग द मल्टी लिंग्विलिटी ऑफ एवरी डे एक्सपीरियंस ऑन इंडिया। दिस टेक्स्ट बुक एम्स एट हेल्पिंग द लर्नर्स टू रीड द मीनिंग इन द कंटेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से दस प्रोवाइडिंग अ बैंक इस तरीके से लिखना है। दस प्रोवाइडिंग अ बैंक ऑफ लैंग्वेज टू सर्व एज अ बेस फॉर कम्युनिकेशन वी मे एनालाइज द बुक फर्स्ट फ्लाइट इन द फॉलोइंग मैनर। तो क्या क्या आपने एनालाइज किया वो पॉइंट्स आपको लिखने हैं। मैक्सिमम आप कितने भी लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम देखिए 4 पॉइंट्स तो लिखे, तो मैंने सबसे मिनिमम ही यहाँ पे लिखे हैं। दिस बुक ट्राइड टू प्रेजेंट टेक्स्ट इन अ वेराइटी ऑफ जनरल जेंट्स इंक्लूडिंग द फॉर्मल एड्रेस द ट्रैवल लॉग एंड द प्ले ऑन लिटरेरी कल्चर्स एंड मतलब बुक के अंदर क्या क्या है, पोएम्स हैं, कैसा रिसोर्स मटीरियल है, बेसिकली सोशोलॉजिकल थीम है नहीं है, एडोलेसेंस एज होती है बच्चों की क्लास 10th में तो उनके लिए सुटेबल है या नहीं है, तो इस तरीके के पॉइंट्स आप लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट वही बता रहा है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इज सम यूनिट ट्राइज टू प्रेजेंट द ग्लिम्स ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री के बारे में भी कुछ चैप्टर्स में बताया गया है और नेचुरल वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप। देन तीसरा है इन द टेक्स्ट ऑफ इनोवेशन मेड इन द कंट्रैक्शन विद द टीचर्स अ वाइल्ड रीडिंग एक्टिविटी, तो ऐसी एक्टिविटीज भी रखी गई हैं। और देखिए टीचर कॉलम है नहीं है बुक में वो भी आप लिख सकते हैं। और कुछ अगर आप मैथ्स की बुक का कर रहे हैं तो उसमें देखिए साइड में कुछ करेक्टर्स होते हैं, जैसे चुन्नी मुन्नी का करेक्टर है, बूझो होता है एक लड़का जो बीच बीच में स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है दूसरे तीसरे पेज पे, तो अगर ऐसी चीजें हैं वो अच्छी लगी आपको वो भी लिख सकते हैं। एक्सरसाइज कैसी है लास्ट में, ईजी है मॉडरेट है, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हैं या नहीं है, कुछ क्रिएटिव वर्क बच्चों को दिया है नहीं, तो ये सब ऐसे पॉइंट्स आप क्रिटिकल एनालिसिस में लिखेंगे, ठीक है। जो भी चीज है आपने बुक में नोट करी आपको अच्छी लगी नहीं लगी वो सब लिखे, बट ज्यादा आप अपने क्रिटिकल एनालिसिस में पॉजिटिव वे में लिखे, ज्यादा नेगेटिव ना लिखे, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट यहाँ पे है कि यूनिट्स कैसी हैं, गाइडलाइंस दिए हैं नहीं दिए हैं, कुछ इस तरीके से आप रीड कर सकते हैं आपके, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी तो देखिए दिस इज रियली गुड थिंग, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे है यहाँ पे क्रिटिसिज्म ऑफ द बुक, ठीक है। अब देखिए क्रिटिसाइज भी करना आपको, बट क्रिटिसाइज में बहुत नेगेटिव ना लिखें, ठीक है। तो पहली चीज कवर पेज जो कि अट्रैक्टिव नहीं है, एक बुक के लिए देखिए कवर पेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि वो क्या करता है आपकी जो बुक है उसको अट्रैक्टिव बनाता है, ठीक है। अगर बुक का कवर अच्छा है तो मे बी जिसको वो ना पढ़नी है वो भी खरीद ले, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये खरीदने वाली तो बुक नहीं है, बट ऐसा कुछ क्योंकि टेक्स्ट बुक है जनरली, कोई स्टोरी बुक वगैरह नहीं है, फिर भी पेज अट्रैक्टिव होना चाहिए सो दैट बच्चे उसको पढ़ना चाहें, बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। सेकेंड है यहाँ पे बाइंडिंग क्वालिटी अच्छी नहीं थी, मतलब बीच बीच में से पेज निकल रहे होंगे। तीसरा पेपर क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है, सॉफ्ट पेपर है नहीं है, हार्ड है कैसा है, ठीक है। फोर्थ है प्रिंटिंग क्वालिटी, ऐसा तो नहीं कि बीच में से डल है या नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप इसमें क्रिटिसिज्म में भी डाल सकते हैं, अगर अच्छी लगी है ये चीज़ें आपको तो आप यहाँ पे प्रॉपरली जो हमने करा था यहाँ पे भी आप इस पॉइंट्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ सजेशंस आप देंगे, भाई आपने इतना क्रिटिसाइज किया है चाहे थोड़ा किया हो या ज़्यादा, तो आप सजेशंस देंगे कि क्या क्या बुक वालों को और करना चाहिए जिनकी बुक है उनको। तो द कवर पेज शुड बी अट्रैक्टिव, पेज क्वालिटी शुड बी स्मूथ एंड थिक, पिक्चर क्वालिटी ऑफ द बुक शुड बी गिवन अटेंशन, क्वेश्चन शुड बी मिक्स्ड इजी मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लेवल, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चंस हैं कहीं पे इजी दिए होंगे कहीं पे मॉडरेट, किसी चैप्टर में डिफिकल्ट, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए उनको मिक्स्ड देना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा टेक्स्ट बुक एनालिसिस एंड ये बहुत ही देखिए मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए किया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ इतना ही बड़ा आप बना सकते हैं इतना ही, बट एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, आप जिस भी बुक का टेक्स्ट बुक एनालिसिस करें उसकी पिक्चर आपको जरूर लगानी है फ्रंट कवर की,
ठीक है। और जैसे कि कुछ पॉइंट्स मैंने अगर आपको बताए कि प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जहां पे प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं थी वहां की फोटो लेके इसके साइड में लगा सकते हो, पेपर क्वालिटी अच्छी नहीं थी वो लगा दो, बाइंडिंग अच्छी नहीं लगी उसकी फोटो खींच के लगा दो, कवर पेज क्या है वो तो लगेगा ही डेफिनेटली, ठीक है। तो ऐसे करके आप पिक्चर्स वगैरह लगा के इन चीजों की जो अच्छा लगा नहीं लगा उसको और अट्रैक्टिव भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ आइडियाज और सजेशंस हैं आप सभी के लिए। बाकी अपना टेक्स्ट बुक आप एनालिसिस करते हैं तो मुझे मेल ज़रूर करें आपने किस तरीके का किया है, ईमेल आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड बने रहें हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ। थैंक यू।